सर विधायक दल की बैठक अभी गई है, एक मिनट एक मिनट, आज बैठक हुई है, किस तरीके से कि जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उससे कहीं ना कहीं मुकृति दिख रही है। भले मुख्यमंत्री जी इसे गीता के रूप में रामायण के रूप में कहते हैं कि हमारा संकल्प पत्र है, लेकिन इनका संकल्प पत्र भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से लाडली बहनाओं को अपात्र घोषित करने में लगे हैं, 450 रुपये आप सिलेंडर के आप महिलाओं को जो आपने दिया वादा किया था वो नहीं किया, धान की खरीदी के आपने 3100 रुपये बोला वो खरीदी नहीं हो रही, किसान परेशान है, 2700 रुपये गेहूँ को लेके, तो सरकार की नीति और नियत दोनों गलत है। उसको लेके सभी विधायक जनता की आवाज़ में प्रदेश की जनता के लिए आवाज बुलंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पर 370 सीटें पार लोकसभा में और 400 पार एनडीए को सीटों का दावा कर रही है। देखिए गारंटी होती तो मोदी की तो हर जगह तक पानी पहुंचता। ये आप क्या देश के अंदर माहौल बना के चुनाव जीतना चाहते अलग बात है, लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं आज आपकी जो जल जीवन योजना है, आज 1000 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश के अंदर, क्यों आज वो धूल खा रही है, क्यों आज खाद्यान्न लोगों को नहीं मिल रहा, तो ये मोदी ने कई इसमें गारंटी दी है। तो ये गारंटी आप चुनाव तक ठीक है, लेकिन लोगों तक भी आपको सेवा करना पड़ेगा। सीटों को लेकर क्या कहेंगे, 400 पार सीटों का दावा कर रही है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, बीजेपी के लिए लोग चुनाव नहीं लड़ना डर रहे हैं, बड़े-बड़े ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा मीटिंग हुई, कई आवेदन आए और एक एक जगह 5-5, 10-10 लोग आवेदन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से तैयार है कांग्रेस, पूरी तरह संगठन के रूप से मजबूती के साथ तैयारी में। पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में इसलिए आवेदन कम आ रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि इस बार जबरदस्त तरीके से लाइन लगी रहती थी सीटों के लिए, तो लाइन तो लगी है ना अभी भी प्रत्याशी होगी स्वाभाविक है जितने आवेदन। धन्यवाद। सर कमलनाथ कह रहे थे कि चुनाव लड़ने में विचार करेंगे, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं प्रत्याशी।